तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे स्कूल में, यहाँ हर किसी को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती है, चाहे वो बच्चे, आप देख सकते हैं आप मौजूद हैं लॉकडाउन के उसमें भी पढ़ाई हो रही है और पालन किया जा रहा है बच्चों का, लॉकडाउन का जो है पालन भी किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो हम यही चाहें कि हर एरिया, या चाहे वो मुंबई जैसे शहर में जब ऐसा काम हो रहा है तो हर जगह ऐसा काम होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा हर किसी को। तो आप देख सकते हैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, बच्चे यहाँ सब पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी बात करूँगा, तो लेडी यहाँ एक मौजूद है जो इस काम को अंजाम दे रही है, उनसे बात करूँगा मैं। मैं सर मौजूद है रेशमा जी। रेशमा जी क्या कहेंगे आप, ऐसे स्कूल आप चला रहे हैं, फ्री में मुफ्त में आप एजुकेशन दे रहे हैं, कंप्यूटर क्लास आप दे रहे हैं बच्चों को, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये आज जो है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है एजुकेशन की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। एक साल से बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हुआ है और ये साल भी स्कूल खुलने के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो है हमारी इंस्टीट्यूट, जो हमारा अदारा ये काम कर रहा है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा सताइश मिल रही है, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पे बच्चों के आ रहे हैं। मुझे लगता है हर मोहल्ले में ऐसा काम होना चाहिए। और ये हम लोग जो है, मेरा अदारा कुरैश नगर वुमन वेलफेयर सोसाइटी 2013 से इस इलाके में काम कर रही है। फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर के अलावा हम लोग फ्री में सिलाई भी सिखाते हैं और हमारी मेडिकल वैन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम भी यहाँ से होते हैं। आज जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मेरा ये, हमारा मकसद यही है कि बच्चों को जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है जॉब में, एसएससी के बाद भी होता है कॉलेज स्टडीज़ में, वो सारे प्रॉब्लम हम लोग यहाँ सॉल्व करें, उनकी ग्रामर मजबूत बनाएं, उनको कंप्यूटर भी अच्छा सिखाएं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी दस्तरस बहुत अच्छी हो जाए, ताकि ये फ्यूचर में आगे बढ़े, कामयाबी हासिल। अगर मैं बात करूँ मुस्लिम सोसाइटी की, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम सोसाइटी एजुकेशन के मामले में पीछे देखा गया रहती है। तो ऐसा एक स्लम एरिया है, कुरला कसावाड़ा एरिया स्लम एरिया है, कहीं ना कहीं इसमें आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आप माइंड में कैसे हैं आपको कि चलो कुछ करते हैं ऐसा? मतलब मुझे माइंड में, जब मैं इंकलाब में न्यूज़पेपर में सब एडिटर काम करती थी तभी मेरे जहन में था कि मुझे अपनी ज़मीनी लेवल पर कुछ काम अपने लोगों के लिए करना है। इसीलिए 2013 में मैंने जॉब से रिज़ाइन देकर ये काम शुरू किया। देखिए इस्लाम इलाका है, आप देखेंगे कि यहाँ से अपने जो बच्चे हैं जो यहाँ पर अच्छा काम नहीं मिल पाता, ये अब्रॉड जाके वहाँ पर भी मजदूरी वाला ही काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर जाए, मजदूरी वाला काम ना करें, अच्छी से अच्छी पोस्ट पर बैठे, अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि उनकी नस्ल एक अच्छी हो जाए। ये जो क्लास आप ले रहे हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे आके कंप्यूटर क्लास पढ़ते हैं, ये फ्री में करते हैं या फिर आप इनसे कुछ चार्ज लेते हैं? आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर हमने एक रुपया भी उनसे चार्ज लिया हो, ये सारी सहूलत, ये टीचर्स वगैरह सब इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीचर्स को हम सैलरी देते हैं, रूम रेंट वगैरह दिया जाता है, मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन बच्चों से हम लोग एक रुपया भी चार्ज नहीं करते। चाहे वो निचले तबके का हो या मतलब अच्छे घर से हो, हम लोग एक रुपया भी चार्ज नहीं करते। मकसद हमारा यही है कि अपनी कौम जो है तरक्की करे, सलम इलाके में जो परेशानियाँ हैं, नशे की लत है, बच्चों में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उसको रोके। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, यही काम अच्छा करते रहिए। आमिर खान।